अल्टीमेटली जी मिस सुहिना कन्विंस हो गई है मेरी बात से, ग्रीन अनियन डाल रही हैं जी, और ये हो गई है जी फाइनल लुक। जरा देखने तो दें फाइनल लुक को, कमाल करती हैं वैसे ठंडा हो गया मुसीना, इस चक्कर में। कमाल करती हैं। मांग बच्चा मांग, क्या मांग दी है? एक सूट शादी के लिए। फौरन ऑर्डर करें जी। देखे मैंने कहा था ना कदम की शादी और ठप ठपा कर दे, नहीं ठप ठपा किया। कहते हैं पहला शादी उनकी होती है, ढोल के हमारे घर में बज रही होती है। शादियां ने चापिंग आना जाना, 5 दस के बाद जाएंगे अमेंड करवाएंगे फिर करेंगे। अच्छा बाकी कमाल सूप है, व्यूअर्स को हम रिकमेंड करते हैं, बार बार कह चुके हैं। एक दो सूरत सूप की वैसे तो हमने लुक दिखाई है इनको। एग्जैक्टली जी देखे कितना खूबसूरत सूप है, जरा खूब सूप देख लें। माशाल्लाह जबरदस्त है जी। इधर बैठो आप। आज बन रही है जी हमारे घर गोभी गोश्त। मिस सुहिना नहा के बैठी हैं और कच्ची कच्ची गोभी खा रही हैं। आप काइंडली ये देखे, इसे हम कहते थे बचपन में, ये क्या कहते थे, मूली। हम तो गोभी कहते थे, मूली यार। ये गोभी वाली जो डंठल होता है ये रेडिश के इक्वलेंट होता है ना, तो आप ये बराए मेहरबानी बाई चांस अल्लाह के फजल से बची पड़ी है तो ये मुझे दे दें। ये है जी गोभी गोश्त की फाइनल लुक, गरम मसाले की खुशबू नाक में घुस गई है। गोभी गोश्त खाया जा रहा है जी, बेहतरीन वीआईपी जबरदस्त। मुर्गियां कपड़े धुल चुके हैं जी आज। कभी कभी दिल करता है, कभी नहीं करता, लेकिन आज पता है क्यों दिल कर रहा है गोभी गोश्त का ना। मेरा तो हमेशा से दिल करता है, बहुत ही मजेदार बनाऊंगा। पहले कुछ बनाने से पहले हमें बता दें आप बना क्या रही हैं। सूप, हॉट एंड सार सूप। हॉट एंड सार सूप बना रही हैं और बड़ा ही जबरदस्त है जी। सीजन क्योंकि स्टार्ट हो चुका है। एक कैरेट की बड़े साइज की मैंने उसको इस तरह से कट कर। अच्छा ये आपने रेसिपी बताएंगी पूरी की पूरी? आप कहते हैं तो बता दें। बता दें, देखिए अच्छा आपका सूप ना वैसे कमाल सूप है। अच्छा सबसे पहले बताए, मैं मदद करना चाह रहा हूँ आपके सामने ना। सबसे पहले नहीं, पहले आज मदद करें जी। सबसे पहले मिस सुहिना कह रही है, मदद कह रही है ऑनलाइन, आपने जो कल मैंने भिंडी बना के दी थी पकौड़े वाली, आपने क्रिस्पी पैन कह दी, जब मैंने क्लिक किया था दांतों के दिया था तो कर 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 की आवाज़ आई। मैंने कहा था मैं बाइट ले, मैं उसको मैंने खाई है ना, उसकी इतनी क्रंची सी आवाज आई है ना। हाँ जी बिल्कुल, वो इन्होंने उसमें छुरी पीछे करे मुझे डराए ना व्यूअर्स। आप यकीन करें वो बहुत ही अच्छे कुरकुरे कुरकुरी भिंडी थी, हमने लिखा था कुरकुरी भिंडी के पकौड़े। अच्छा आप सुनो रेसिपी, ये जी है कैरेट है, एक कैरेट बड़ी कैरेट था ये, मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया। ये कैबेज है, इसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया। आवाज नहीं आ रही वैसे आपकी ना। अच्छा ये है जी सफेदियाँ, सफेद अंडे की सफेदियाँ, देसी भी ले जो मर्जी ले। अच्छा जी चिकन ले लें जी, इन्होंने एक ब्रेस्ट लिया है, वैसे मैंने मैयर कर लिया है चोरी चोरी, 413 ग्राम है जी एग्जैक्टली। वैसे आप आधा किलो भी ले सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं जी। हमारे घर में क्योंकि इतना पड़ा था हमने किया उसकी जूलियन कटिंग। डाल क्या रही है ये बताया नहीं आपने, कॉर्न फ्लोर डाल लिया जी, इसको फ्राई करूंगी मैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसी तरह से जैसे हम चिकन हम सूप पीते हैं बाहर से जाके उस तरह से सॉफ्ट हो चिकन, तो ये है इसका असल तरीका। अच्छा ना, तो हम क्या करते हैं पूरा चिकन लेके उसको बॉईल कर देते हैं, उसके अंदर कैरेट डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, सब कुछ डाल देते हैं, उसकी जो यखनी होती है वो भी तैयार कर लेते हैं, चिकन भी डाल देते हैं, चिकन को रेशा रेशा करके वो हम सूप के अंदर डाल देते हैं। लेकिन आप फ्राई करेंगी? लेकिन मैं वो इस तरह से नहीं कर रही, ये मैं बहुत ही आसान रेसिपी दे रही हूँ जी। व्यूअर्स को जरा बताएं ना आपने क्या हुक्म सादर फरमाया मुझे। मैं फाइल लेकर आया जाए हाँ। कहाँ से? स्टोर से। स्टोर कितनी दूर खड़ा है ये बता दें। थोड़ा सा दूर है, रूम में हमारे। यानी चार रूम छोड़ के स्टोर खड़ा है, कहते हैं थोड़ी दूर है, तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है किचन और स्टोर के दरमियान। और गुस्से से आपने क्यों कहा ये बता दें। फ्राई पैन तो लेके दे सर। अच्छा पहले प्यार से कहे, पहले आपने मुझे गुस्से से कहा है कि जाए जाके लेंगे। यार आप सूप कम से कम मेरी अगर ख्वाहिश पे बना रही हैं ना, कि मोहब्बतों वाली शीरी तो डाले सूप में। डाल रही हैं जी मेज़ान कैनोला ऑयल, बड़े शौक से लेके आती है जी मेज़ान ऑयल, गर्म हो रहा है जी। माशाल्लाह हुसैन साहब बैडमिंटन खेल के आ रहे हैं, बताओ क्या बन रहा है हमारे घर में। कमाल है यार, कोई खुशबू आई है कॉम्प्लेक्स में आपको? अच्छा आपको पता था, यकीन मैंने कर लिया आपका, मेरा बेटा झूठ बोलता ही नहीं है खाने का। वैसे आप चट खो रहे हो, तो हमने क्या खाया है, हमने क्या किया हुआ है, हमने सिर्फ लंच किया है बस।
चाय आप भी पी लो, नाराज है व्यूअर से? वही मैं और से ये डिस्कस कर रहे थे कि उसको भी जो है ना सर्दियों में नींद आती है, आपको भी नींद आती है? नींद नहीं आती, पता नहीं क्या बीपी, सुस्ती बीपी लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, समय पानी कम पिया जाता है ना। अच्छा आप कम पानी कम पीती हैं और मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के ना। मुझे बस कटी हुई हो, आपका ये चिकन फ्राई हो और मैं आपको बताई कि यखनी हुई नहीं कि हम चिकन डालें उसके यखनी, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है। कनोल के जो क्यूब होते हैं, हाँ क्यूब से कहते हैं ना, क्यूब कहते हैं जहर है, क्यूब की शेप के होते हैं ना, बस वो डालें डेढ़ लीटर पानी में, दो लीटर पानी में दो क्यूब डालें और आपकी यखनी तैयार। मधोशी आ गई है आवाज़ सुन के ना बारिश की। कितने मिनट आप फ्राई करना है ये तो बता दें? 50% डन कर दें जी इसको। इसको एक यानी पीस निकालेंगे, उसको छुरी कांटे से प्रेस करेंगे? नहीं जी, पता चल जाता है जी 50% जब डन होता है तो। अहमद हसन आ चुके हैं जी एकेडमी से वापस, सारे बच्चे जो हैं ये देखें हुसैन के लिए क्या लेके आए हैं, सलाटी वगैरह लेके आए हैं जी इसके लिए। और अब हमारे घर में आ गई है रौनक और सारे बच्चे शुरू हो गए हैं किचन में। अच्छा वैसा माहौल बन चुका है जैसे पुराने दौर में वो किचन होता था कच्चा और वो फड़च पे जाके सारे बैठ जाया करते थे। हाफ डन हो चुका है, अभी दूसरा डाल रहे हैं भाई, बहुत सारा सूप है, दो दो तीन तीन बोल पियेंगे। नहीं ये हाफ डन है, हाँ जी बड़े वाला। ओए हो अच्छा, कैट्स एंड डॉग्स वाली बात हो रही है जी हमारे घर में, नाराज लग रही है हमसे, बात ही नहीं कर रही। सर में दर्द हो चुका है, अल्लाह खैर करे, हुआ क्या है ये तो बता दें। बात तो कर रही हैं आप एक घंटा पूरा, जाहिर है जी मुझे भी तो करवाई है आपने वाक, ये तो बताएं। एक कढ़ाई में डाल दें जी, कितने लीटर पानी है तकरीबन जी, कितने डाले आपने जी? पौने दो, आलमोस्ट डेढ़ लीटर पानी है जी। एक कढ़ाई में डाल दें और उसको तेज आंच पे रख दें, इसको बॉयल कर लें हमने, बॉयल करना शुरू कर दें जी इसको, और साथ डाल दें। ये आसान तरीका बना रही है बजाय वो हड्डियों के गूदे से आप वो स्टॉक बनाएं, ये डाल रही हैं जी चिकन क्यूब्स। तो इससे इन्होंने मेहनत जो है व्यूअर्स की वो काफ़ी सारी कम कर दी है, मुश्किलें आसान कर दी हैं। यानी जो एक डब्बी में जो दो क्यूब्स होती हैं तो ये एक डब्बी वाली दो क्यूब्स पूरी डाल रही हैं और ये बन जाएगा चिकन स्टॉक, बन जाता है क्या कहते हैं इसको, चिकन स्टॉक बनता है। और साथ ही इन्होंने रेडीमेड चिकन स्टॉक भी लिया हुआ है, ये देखें ये पैकेट में है, चिकन पाउडर है, ये चिकन पाउडर है, सॉरी चिकन पाउडर, आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपसे माफ़ कर दें। चिकन पाउडर जी अंदाजे से डाल रही हैं, लेकिन इनको पता है कितना डाल रही हैं, तो एक टी स्पून है, टेबल स्पून है, एक टेबल स्पून डाल दिया जी। ये तो हल्का फुल्का आसमान, जैसे मरी की सड़कों में बादल नहीं फिर रहे होते, या कागान नारान या कश्मीर में नीलम वैली में जो बादल सड़कों में घूमते हैं वही माहौल रख रहा है। और ये आपने मुर्गी को दड़बे में बंद कर दिया, कह रहे हैं आप? नहीं जो अभी डांट रहे थे वो बताएं, मैं अपने आप को कह रहा था मुझसे स्लोमो बन जाता है, आपको तो मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा स्लोमो और वीडियो में साथ साथ है, ऐसा लग रहा है सर पता नहीं कहाँ जा रहे हो आप यार, इंतजार बड़ा बात नहीं कर के आया आप, फिर विवाद के लिए क्यों तो शलवार कमीज पहनूंगा? नहीं नहीं जो मर्जी पहने। एक आपने मुझे कहा हुआ है यहाँ से हिलना नहीं है, मैं आप पे जुरत नहीं है, मैं यहाँ हुजू करके बैठ रहा हूँ। हाँ जी अच्छा, मैं मीन वाइल व्यूअर्स वो आपने ड्रामे भी करते होंगे डाले हैं और वो पानी में वो अभी वो बॉयल हो रहा है, कहते जी अभी 10 मिनट्स वेट है, आप वेट करें तो मैं यहाँ बैठा हूँ मासूमों की तरह। कभी कम ड्राई फ्रूट ही दे दें, कोई पीनट्स ही दे दें, चलो चलता तो रहो। ये जी स्टॉक में डाल दिया है, स्टॉक कहते हैं क्या कहते हैं इसको? हाँ जी जी यखनी, अच्छा यखनी स्टॉक में डाल दिया जी इन्होंने, हाफ डन जो किया हुआ था फ्राइड चिकन। हाँ, अब ये 10-15 मिनट पकेगा इसके अंदर, जी 10-15 मिनट जिसको पकाएंगे जी। देखिए जो हम घर में सूप बनाते हैं वो उसके अंदर चिकन का देखे जरा कितनी उसकी ज्यादा क्वांटिटी होती है। अच्छा ये वैसे आपको व्यूअर्स बता दें, जो हम मार्केट से लेते हैं ना जी, उन पैसों में ऑलमोस्ट आप 2-3 बोल्स पर सर्विंग निकल आते हैं। हाँ जी ठीक है, यानी बहुत ही आपको ये क्या कहते हैं इसको सस्ता पड़ता है और टेस्ट उसी तरह का बनेगा। ये जी हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं, काली मिर्च डाल रहे हैं जी, जरा ऊंचा बोले ना प्लीज, काली मिर्च डाल रहे हैं जी हम। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, अच्छा जितना ऊंचा मर्जी बोले ना, बोलती आप प्यार से ही। पाउडर डाल रहे हैं, चिकन पाउडर जी मजीद डाल रही है एक चम्मच और टेबल स्पून इस पर भर के डाला इन्होंने, अभी और भी भर के डालूंगी। दो टेबल स्पून, पहले कितना डाला था शुरू शुरू में?
पहले भी अच्छा एक टेबल स्पून डाला था, टोटल ही हो गए हैं 3 टेबल स्पून। मुझे ये बता दें इस टाइम पे डालना जरूरी है या शुरू में भी डाल सकते हैं हम? शुरू में भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन के अंदर भी रुचना मसाला चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल जी, ठीक है। ये देख रही है, खुद पी रही है, मुझे नहीं पिला रही। कैसे टेस्टी है? जब ये बन जाएगा हम आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक, और इतना यमी होगा इंशाल्लाह आप फौरन बनाना शुरू कर देंगे, और कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल भी नहीं है जी, कोई वो तमाम वो चीजें हैं जो घर में पड़ी हैं। अच्छा ये फ्राई करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं चिकन को। हैं अच्छा। हाँ जी, अब मैं तो कल क्या करूंगी, अच्छा खासा चिकन लेकर उसको फ्राई करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। जब आपकी अम्मी आएंगी फौरन पेश कर देंगी। जाहिर है, मेरी जन्नत जब आएंगी मैं फौरन पेश करूंगी। और दो तीन और भी कदरों के नाम गिनवा देना, हिजाब का भी, गौर का भी, वो भी गिनवा दे माशाल्लाह, वरना नाराज हो जाएंगी आपसे। गौर ने तो कमेंट भी किया है, उसको थोड़ी सी भनक लगा के जाए ना, कमेंट उसने करना शुरू कर देती है, सूप कब बनाएंगी, पता नहीं कौन बता देता है कि आज हम सूप बना रहे हैं। 1, 2, 3 टेबलस्पून, टीस्पून, टेबलस्पून यार बताया करे ना, सारे आप जैसे जीनियस नहीं है, मेरे जैसे भोले आदमी भी हैं। 3 टेबलस्पून चिली सॉस है जी, पहले सोया सॉस थी। 6 टेबलस्पून विनीगर है यार, आपने ज्यादा इसमें वो आया है। चलें जी 4 टेबलस्पून, मैं झूठ बोल रही हूँ, कम से कम 5 टेबलस्पून, और वैसे ही हसबे जायका है, ये विनीगर है। ये देखिए जी, ये 6-7 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए लिए, और इसको मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ। अच्छा, बड़ी मधुर आवाज़ में बताती हैं आप। 6-7 टेबलस्पून जी पानी में डिजॉल्व करके अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता स्टार भी करती जा रही हैं और मिलाती भी जा रही हैं। लग जाए ना तो इंसान थक ही जाता है मेरे ख्याल में। हाँ जी बिल्कुल जी, आज गोभी गोश्त भी बनाया था ना आपने, बड़ा टेस्टी बनाया आपने, कमाल है। और ये हम आप मुझसे उम्मीद भी रखते हैं कि मैं ऊंचा ऊंचा बोलूं, पूरी की पूरी मैं रेसिपी दूं। भाई आपकी आवाज सुनने को कान तरस जाते हैं, क्या कहें, नहीं तरसते मेरे कान, नहीं झूठ बोल रही हैं। आपकी ये अंदाज बता रहा है कि आपको यकीन है कि मेरे कान तरसते हैं। और ये जी हम डिनर में सूप ले रहे हैं जी, सूप ले भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, यानी खा भी रहे हैं, तो इससे इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी डिनर करने की। सूप के बाद इंशाल्लाह सोने की होगी तैयारी, टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ चुका है जी। ठीक है, इसको थोड़ा और भी गाढ़ा कर लें जी, गाढ़ा कर लें जी, क्योंकि जो मैं शाहजहां ग्रिल में पीती होती हूँ ना। अच्छा जी, मिस सुई ना जो है बड़ी फ़ैन है सूप की, जो शाहजहां ग्रिल जो हमारे मुल्तान में है वहाँ मिलता है, और एग्जैक्टली आप व्यूअर्स यू बिलीव मी के एग्जैक्टली उस वही टेस्ट आता है जी, ज़बरदस्त है जी। कह रही हैं जी जो ये लिक्विड बन चुका है ना, ये स्टॉक बन चुका है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। नाराज़ होना शुरू हो जाती हैं, कहती हैं जी कैमरा आपने ऑफ क्यों किया है, खुद ही कहती हैं कि सॉरी। अच्छा जी, मैं अब ये डालने वाली हैं वेजिटेबल्स, और पैन एग डालना है जी। और अच्छा वेजिटेबल्स कितनी खूबसूरत लगती हैं, ये देखें तो सही, कमाल है व्यूअर्स कमाल। ये जी आ गया एग, आप देखें गाढ़ा पन आता जा रहा है जी, एग डाल रही हैं, और ये सिर्फ वाइट नहीं है एग, एग वाइट भी है और जर्दी भी है, इन पूरे का पूरा एग फेंट कर डाल दिया जी। अच्छा ये इसमें, अच्छा जब अंडा पका पकाया नजर आना शुरू हो जाए तब आपने उसको स्टार करना है जी। अच्छा वैसे पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पे पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। अच्छा नहीं नहीं, कमाल करती हैं वैसे, मैं बर्बाद कर रहा हूँ। ये देखें जी कैरेट्स चले गए हैं, और ये चली गई है कैबेज, बस और नहीं डालेंगे कैबेज, थोड़ी ज्यादा ना डालें वैसे कैबेज ना, बस 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 बस। यस, तो ग्रीन अनियन भी मेरे पास पड़ा हुआ था, अगर कहते तो डाल दे, डाल देना जल्दी करें, लेकिन अब वो देर हो गई है बस। चलो कोई बात नहीं, वैसे डाल दे तो अच्छी बात है, जल्दी करें, नहीं उसको धोना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा बस। चलो कोई बात नहीं, फिर जैसे आपकी मर्जी, अपनी मोहब्बतें तो शामिल कर देना। फाइनल लुक देखिए जी, फाइनल लुक ही तो देख रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, और ये रेडी हो चुका है जी ऑलमोस्ट। इसको सर्विंग बोल में डालेंगे जी, बहुत बड़े बोल में, यहाँ पे बहुत बड़ा बोल बनने वाला है। नहीं ये हम हॉट पॉट में डालेंगे, क्योंकि मेरे हमारे पास सूप सेट नहीं है, सूप सेट नहीं है जी। कह दिया जी बच्चे भी तो वैसे कॉम्प्लेक्स चले गए ना, एक दो बच्चे हैं, तो हॉट पॉट में डाल देंगे सूप सेट। इंशाल्लाह जब आपके पास, जब मैं नेक्स्ट सूप बनाऊंगी तो सूप सेट होगा। इसका मतलब है अगर मैं कल लेके आ जाऊँ तो परसों बना देंगे रोजाना। अच्छा चले माशाल्लाह जी, वैसे विंटर सीजन भी आ गया, हॉट पॉट में उंडेला जा रहा है जी, सूप कमाल हो गया, जल्दी करें, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है जी। अल्टीमेटली जी मिस सुहिना कन्विंस हो गई है मेरी बात से, ग्रीन अनियन
डाल रही हैं जी, और ये हो गई है जी फाइनल लुक, जरा देखने तो दें फाइनल लुक को, कमाल करती हैं वैसे मुसीना, कमाल करती हैं। बच्चे पहुंच चुके हैं जी सूप पीने के लिए, ये देखें जरा माशाल्लाह मिस सुइना सर्व कर रही हैं, अल्लाह इनको जजा दे दी। मांग बच्चा मांग, क्या मांग दी है? एक सूट शादी के लिए। फौरन ऑर्डर करें जी, देखा है मैंने कहा था ना कदम की शादी और ठप ठपा कर दे, नहीं ठप ठपा किया, कहते जी पहला शादी उनकी होती है, ढोल के हमारे घर में बज रही होती हैं, शादियां ने चापिंग आना जाना, 5 दस के बाद जाएंगे अमेंड करवाएंगे फिर करेंगे। अच्छा बाकी कमाल सूप है, व्यूअर्स को हम रिकमेंड करते हैं, बार बार कह चुके हैं, एक दो ऐसा सूप की वैसे तो हमने लुक दिखाई है इनको एग्जैक्टली जी, देखें कितना खूबसूरत सूप है, जरा खूब सूप देख लें माशाल्लाह ज़बरदस्त है जी। इधर बैठो आप, व्यूअर्स के साथ ही अगर आपका मामला अच्छा लगा उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज जी, हमें सब्सक्राइबर की बहुत जरूरत है, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर हुसैन साहब को दिखाएं कल सब चेयर लेके आ रहा था, सुइना फैमिली जिंदाबाद। इधर इधर अपना चैनल का नाम बताओ। हुसैन लाइव ब्लॉग जिंदाबाद। अहमद हसन का टू ब्रदर्स के नाम से चैनल है जी, टू ब्रदर्स जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।